हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ये कैसे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेजन कस्टमर केयर से कैसे कॉन्टैक्ट करें। चलिए टाइम बिना गवाएं हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेजन कस्टमर केयर से आप दो तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक तो अमेजन के वेबसाइट के थ्रू और दूसरा अमेजन के एप्लीकेशन के थ्रू। तो इस वीडियो में हम आपको अमेजन के एप्लीकेशन के थ्रू अमेजन कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करके बताने वाले हैं। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल के अमेजन एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, जैसा कि मैं अपने मोबाइल के अमेजन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। इसे ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। अब देखेंगे, आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आपको थ्री लाइन नज़र आएगा, इसे क्लिक करके ओपन कर लें। जैसे क्लिक करेंगे एक न्यू इंटरफेस खुलकर सामने आएगा और नीचे आप देखेंगे लिखा है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस पर क्लिक कर लें। इस पर क्लिक करने के बाद एक न्यू इंटरफेस खुलकर सामने आ रहा है और आप इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे तो नीचे देखेंगे कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन है, आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर दें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक न्यू पेज खुलकर सामने आ रहा है और लिखा है क्वेश्चंस अबाउट एन इश्यू। आपको किसी भी तरह का इश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो है चैट विद कस्टमर केयर और दूसरा है कॉल अस। तो कॉल अस ये ज़्यादा बेटर है, तो आपको कॉल अस करके मैं दिखाता हूँ। तो कॉल अस पे क्लिक कर दें। जैसे ही कॉल अस पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर एक न्यू पेज खुलकर सामने आ रहा है और यहाँ पे लिखा है आई एम हैविंग एन इश्यू विद, मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कुछ समस्या है जुड़ा हुआ किससे, माई ऑर्डर से या फ्लाइट एंड बस बुकिंग से। जिससे भी रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैं अपने ऑर्डर से रिलेटेड इशू को लेकर के कॉन्टैक्ट करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ, इसलिए मैं माई ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक किया फिर एक न्यू पेज खुलकर सामने आ रहा है और उसमें लिखा है कुछ ऑप्शन, जैसा कि पहला है वेयर इज माई ऑर्डर, दूसरा है कैंसिल और अपडेट माई ऑर्डर, तीसरा है रिटर्न एंड रिफंड्स। जिस भी रिगार्डिंग आपको कॉन्टैक्ट करना है उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वेयर इज़ माई ऑर्डर, मेरा ऑर्डर कहाँ है इससे रिगार्डिंग मुझे कॉन्टैक्ट करनी है, तो मैं वेयर इज़ माई ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर एक न्यू पेज खुलकर सामने आ रहा है। अब यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना है कि किस ऑर्डर से रिलेटेड आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर उषा एसी हीटर से रिलेटेड मुझे कॉन्टैक्ट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लिक किया, उसके बाद आप देखेंगे नीचे कंटिन्यू टू कस्टमर सर्विस, इसका ऑप्शन है, कंटिन्यू टू कस्टमर सर्विस पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर एक न्यू पेज खुलकर सामने आ रहा है और यहाँ लिखा आ रहा हैव अस कॉल योर राइट नाउ अबाउट इश्यू हुए इज माई ऑर्डर। ये आपने इश्यू को यहाँ पर सबमिट कर दिया है कि किस इश्यू से रिलेटेड आपने कॉल करना है। उसके बाद आगे देख रहे लैंग्वेज, लैंग्वेज हिंदी है, मतलब आप जब कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो हिंदी में आपसे बात करेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे लैंग्वेज हैं जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इंग्लिश में सेलेक्ट करके इंग्लिश में टॉक कर सकते हैं, कस्टमर केयर से अपने सॉल्यूशन को पा सकते हैं, या हिंदी में, या तेलुगू, तमिल, कन्नड़, जिसमें भी आप कांटेक्ट करना चाहिए जिस लैंग्वेज में उसको क्लिक कर लें। तो मैं हिंदी में कांटेक्ट करना चाहता हूँ तो हिंदी क्लिक किया। उसके बाद आगे है योर नंबर, मतलब जिस नंबर से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आपको नीचे है ऑप्शन कॉल मी नाउ, अब यहाँ पर कॉल मी नाउ पे क्लिक करना है। जैसे कॉल मी नाउ पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर के बाद उधर से रिकॉल आएगा, तो मैं यहाँ कॉल मी नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। कॉल मी नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कनेक्टिंग यहाँ पर दिखा रहा है और देख रहे हैं ये कॉल आ चुका है। अब इस कॉल को आपको रिसीव करना है। आपको मैं बता दूँ ये कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि अमेजन के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, आपको इस कॉल के कोई भी चार्ज नहीं देने होंगे। चलिए मैं इस कॉल को रिसीव करके कुछ सुना देता हूँ कि देखिए क्या कह रहा है। मैंने रिसीव किया, देख रहे हैं आगे फिर कुछ। अमेज़न में आपका स्वागत है, हमारी ग्राहक सेवा टीम आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है। यह कॉल गुणवत्ता और प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आप अमेज़न कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
अब आगे की बात है, अमेजन कस्टमर केयर से मैं पर्सनली अपनी बात कर लूँगा दोबारा कॉल करके। बस आपको मैं ये दिखाना चाह रहा था कि कैसे आप कॉल कर सकते हैं। तो ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपके प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व किया होगा। अगर ये सॉल्व किया हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।